दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 254 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर सभी श्रेक डेवल्स जहाज में बैठकर पानी के अंदर जा रहे होते हैं, जिसकी साथ ही सीओ बाई टेंशन से कहती है, डीप सी डेमोनिक वाले किंग के पावर का अंदाज लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है अगर सीनियर बोस आयशी उससे फाइट करती है तो वह भी उससे नहीं जीत सकती है। ये सुनकर के टेंशन कहता है, जब हम लोग लास्ट के टाइम सी गॉड आइलैंड से वापस आ रहे थे तब सीनियर बोस आयशी ने हमें डीप सी डेमोनिक वाले किंग के बारे में बताया था, जिसके अकॉर्डिंग डीप सी डेमोनिक वाले किंग भी एक ड्रैगन गॉड बनने वाला है। वही सीओ बाई, मेरे ख्याल से तुम डीप सी डेमोनिक वाले किंग के बारे में मुझसे ज्यादा जानती होगी, इसलिए क्या तुम उसके बारे में हमें और कुछ बता सकती हो। ये सुनते ही सीओ बाई कहते हैं कि असल में मैं कभी डीप सी डेमोनिक वाले किंग से नहीं मिली हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनते ही श्रेक डेवल्स कहते हैं, ये तो बहुत अजीब बात है। तब सीओ बाई बताती है कि असल में उसकी फैमिली की एल्डर ने इन लोगों के पैदा होते ही इन्हें बता देते हैं, ये लोग डीप सी डेमोनिक वाले किंग की एरिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो लोग भी उस एरिया में जाते हैं उन लोगों का जिंदा लौटने का चांसेस बहुत कम होते हैं। ये सुनकर के टेंशन से पूछता है, आखिर में हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी कितना टाइम लगेगा। इस पर सीओ बाई बताती है कि अगर मैं मैक्सिमम स्पीड पर चलूँ तो मुझे डीप सी डेमोनिक वाले किंग की एरिया तक जाने में 3 दिन का समय लगेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग डीप सी डेमोनिक वाले किंग को हराने के लिए प्लान बनाने लगते हैं, जिसके बाद हमें डीप सी डेमोनिक वाले किंग का एरिया का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि यह जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। इसके अलावा वहां पर डीप सी डेमोनिक वाले किंग का स्पिरिचुअल एनर्जी भी चारों तरफ फैल हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर श्रेक डेवल्स और टेंशन भी पहुंच गए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह लोग जिस बर्फ पर खड़े होते हैं अचानक से वह टूटने लगती है, क्योंकि डीप सी डेमोनिक वाले किंग अपनी हल्के से स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, आखिर में किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि वह मेरी डोमेन के अंदर आया है। ये सुनकर के टेंशन अपनी फिफ्थ सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टायरोन स्पेयर का इस्तेमाल करता है और उसका एक अटैक डीप सी डेमोनिक वाले किंग के ऊपर कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग बॉडी इतनी बड़ी होती है, उसके ऊपर टेंशन का यह अटैक कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये देख कर के टेंशन को अंदाजा हो जाता है डीप सी डेमोनिक वाले किंग की बॉडी ही इतनी ज्यादा पावरफुल है, वो एक सेंचुरी मिलेनियम की अटैक को बहुत ही आसानी से डिपेंड कर सकता है। इधर अचानक डीप सी डेमोनिक वाले किंग कुछ महसूस करके कहता है, ये तुम हो, क्योंकि मुझे एक बार सी गॉड ने बुद्धू बनाया था, इसकी वजह से मैं सी गॉड से हल्की सी माइंड पावर को सी गॉड के असली बॉडी समझ रहा था, इसलिए क्या इस पर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई है, तुम मेरे डोमेन के अंदर आकर के मुझे चैलेंज कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक डीप सी डेमोनिक वाले किंग कुछ करता है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक सुनामी आ गई है। वहाँ वो किसी तरह का अटैक करता है, जिसे टेंशन जिवू को बाल बाल बचा देता है। इसके बाद टेंशन को समझ आ गई होती है डीप सी डेमोनिक वाले किंग भी समंदर का पावर यूज कर सकता है। इधर डीप सी डेमोनिक वाले किंग अब पानी के ऊपर आते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे हाथों में सी गॉड का ट्राइडेंट है तो तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। ये सुनकर के टेंशन एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें इसकी इस्तेमाल से दिखाऊंगा कि मैं लड़ सकता हूँ यहाँ पर नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब डीप सी डेमोनिक वाले किंग पानी के ऊपर आ चुका होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी असल बॉडी बहुत भयानक और पावरफुल होता है। वही हम देखते हैं कि टेंशन का अटैक डीप सी डेमोनिक वाले किंग के स्पिरिचुअल एनर्जी से ही रुक जाता है, जिसके बाद डीप सी डेमोनिक वाले किंग कहता है, लास्ट के टाइम सी गॉड ने इस ट्राइडेंट का यूज करते हुए मेरी एक आंख को ही तोड़ दिया था, पर वही आज तुम्हारे हाथों में उसका ट्राइडेंट है, इसलिए अगर मैं सी गॉड के सक्सेसर को खा जाता हूँ तो इतना तो तय है कि मैं हिस्ट्री में पहला डैम गॉड बन जाऊंगा। इधर यह सुनकर के अचानक टेंशन अपनी राइट आर्म सोल बोन का इस्तेमाल करता है, जिसे देख कर के डीप सी डेमोनिक वाले किंग उसे डिपेंड करने के लिए अपनी पूंछ को आगे करते हुए तैयार होता है, लेकिन अचानक से टेंशन अपनी लेफ्ट आर्म सोल बोन का इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटी प्रेशर को बढ़ा देता है। इधर रोम रोम भी अपनी फुल पावर से स्पोर्ट कर रही होती है,
जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टेंशन का अटैक पूरी तरह से डीप सी डेमोनिक वाले किंग को हिट कर देता है। वही इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि टेंशन का ट्राइडेंट डीप सी डेमोनिक वाले किंग की बॉडी में घुस गया होता है, जिसकी वजह से डीप सी डेमोनिक वाले किंग कहता है, मेरे ख्याल से तुम सी गॉड से कुछ ना कुछ टेक्निक सीखे हो। इधर डायमोबई और कैट गर्ल मौका पाते ही अपना फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करते हैं और फिर डीप सी डेमोनिक वाले किंग को डैमेज देने की कोशिश करते हैं। इधर उन सब के अटैक को देखते हुए डीप सी डेमोनिक वाले किंग कहता है, तुम लोग मुझे गुदगुदी कर रहे हो। तभी इसी समय जिवू भी अपने एक पावरफुल अटैक को डीप सी डेमोनिक वाले किंग के ऊपर करती है, लेकिन सारे श्रेक डेविल्स देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग का डिफेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए टेंशन टायरोन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए अपने सी गॉड ट्राइडेंट को डीप सी डेमोनिक वाले किंग के बॉडी के अंदर और भी ज्यादा घुसाने की कोशिश करता है। वही जैसे ही सी गॉड ट्राइडेंट और भी ज्यादा अंदर घुसता है, हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग दर्द से चिल्लाने लगता है और अपनी अगले अटैक से ही टेंशन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोटे किसी तरह से टेंशन को बचा लेता है। तभी अचानक से फिर से टेंशन लेफ्ट आर्म सोल बोन के सेकंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार पंच मारकर केसी गॉड ट्राइडेंट को और भी अंदर घुसा देता है और इसके ठीक बाद अपनी गॉड लेवल के 8 स्पाइडर लांस को बाहर निकालकर उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से वह डीप सी डेमोनिक वाले किंग के थोड़ी पावर को अब्सॉर्ब करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा करते ही डीप सी डेमोनिक वाले किंग दर्द से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंशन अपने ट्राइडेंट को वापस बाहर निकालता है और अपने अगले अटैक के लिए तैयार होने लगता है। इधर उसे ऐसा करते देख करके डीप सी डेमोनिक वाले किंग भी एक अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि टेंशन अपनी माइंड टेक्निक से डीप सी डेमोनिक वाले किंग की हार्ट को देख लेता है और उन्हें मारने के लिए एक हिडन वेपन का इस्तेमाल करता है। इनके अंदर इतना ज्यादा पाइजन लगा होता है, यह नीडल किसी भी चीज को छू लेते हैं वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय होने लगेगी। वही हम देखते हैं कि इस हिडन वेपन के इस्तेमाल से डीप सी डेमोनिक वाले किंग का सोल अटैक बेकार हो गए होता है। इसके बाद टेंशन बचे हुए नीडल इस्तेमाल करके डीप सी डेमोनिक वाले किंग की बॉडी को डैमेज करने लगता है। तब हम देखते हैं कि इसकी वजह से डीप सी डेमोनिक वाले किंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें टेंशन ने प्लान बनाया था कि हमें कुछ भी करके डीप सी डेमोनिक वाले किंग को ह्यूमन बॉडी में आने के लिए मजबूर करना होगा, ताकि उसकी बड़ी सी अटैक खत्म हो जाए। तब हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं, डीप सी डेमोनिक वाले किंग पिछले अटैक से परेशान होकर के ह्यूमन बॉडी में चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है। इधर इस प्रोसेस में निकलने वाली स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा भयानक होता है कि श्रेक डेविल्स को ऊपर खड़े होने में भी दिक्कत होने लगती है। इधर हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग ह्यूमन बॉडी में आते हुए कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग मुझे इंसान बनने से मजबूर किया, तुम लोग मुझे इंसान बनने की मुझसे जीत पाओगे। इसके बाद डीप सी डेमोनिक वाले किंग इन लोगों को बताना स्टार्ट करता है, मैंने 10 सेंचुरी मिलियन में जितने भी कल्टीवेशन की है, क्या तुम उसका अंदाजा भी लगा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अब डीप सी डेमोनिक वाले किंग फुल आर्मर के साथ ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। तब सीओ बाई उसे देखते ही श्रेक डेविल्स को बताती है, अभी अभी डीप सी डेमोनिक वाले किंग ने अपनी सारे कल्टीवेशन की पावर को इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्मर को बनाया है, जिसे तुम लोग इस तरह से समझ सकते हो, जब भी कोई इंसान गॉड बनता है तब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक आर्मर और वेपन का क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसकी मार्शल स्पिरिट सी गॉड ट्राइडेंट की तरह ही एक वेपन बन जाती है। इधर रोंग रोंग डीप सी डेमोनिक वाले किंग की पावर को महसूस करके सोचते हैं, उसका आर्मर और बॉडी पूरी तरह एट्रीगेट नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि अब उसका गॉड बनने के लिए बहुत कम समय रह गया है। तभी हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग लाइटनिंग और वाटर का इस्तेमाल करके एक अटैक को प्रिपेयर करता है, जिसे देख करके यह अंदाजा लग जाता है इस अटैक में बहुत ज्यादा टाइपिंग लेवल की पावर का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जैसे ही इस अटैक को श्रेक डेविल्स के ऊपर करता है, हम देखते हैं कि हमारे एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।